जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में। गाइस, वैसे तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, बट जब मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई तो उसके ऊपर काफ़ी सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट कमेंट आए, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आई, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर थंबनेल के ऊपर भी मैंशन किया है। अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो इसमें मैंने ओटीपी प्रॉब्लम का भी किया है जो कि आपके सामने आ रही है। अभी मैं इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, मैं अभी रात में दिखाता हूं कि टाइम क्या हुआ है। रात के 12:40 हुए हैं और मैं रात में ही इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम न आए और आप इस वीडियो को वॉच करके आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका आंसर लेकर के इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो पहली प्रॉब्लम आपके सामने ओटीपी की आ रही है, इसका आंसर आपको बताया जाएगा कि अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो ऐसे आप कैसे अपना ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जब मैंने यहां पर ये फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई, इसमें यहां पर जो आप कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी भरते हैं, इसमें भी कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम प्राधिकारी का जो पोस्ट है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सर्टिफिकेट है कौन से प्राधिकारी ने जारी किया है, उसकी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। फिर एक प्रॉब्लम यह कि एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो एग्जाम सेंटर हमारी सिटी में कैसे आएगा, उसका हम कैसे यहां पर पता लगाएंगे, ये भी आपको आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भरे ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है, लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये सब जानकारी आ जाएगी। आप यहां से ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कंप्यूटर से कैसे भरना है, मोबाइल से कैसे भरना है, वो वीडियो यहां से वॉच कर सकते हैं। अभी आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है, तो आपके सामने यहां पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल मेहनत करके स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो रात में ही बना रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। तो चलिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के पेज पर आप आ जाएंगे। इस पर आने के बाद में आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। मैं जो आपको यहां पर आंसर करूंगा इन प्रॉब्लम के, वो मैं आपको उसी स्टेप पर करूंगा जहां पर वो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है ताकि आपको उसका आंसर वहीं पर मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं और एक एक करके सभी जानकारी को यहां पर समझते हैं कि कैसे आपको भरनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, अब आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है 2 पॉइंट में। इसके बाद में आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर 3 पॉइंट में एंटर करना है। फिर आप यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा एंड देन फिर यहां से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद में डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप फादर नेम एंटर करेंगे एंड देन आपका मदर नेम एंटर करेंगे, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है 7 पॉइंट में, 8 पॉइंट में आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, 9 पॉइंट में आपके नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, 10 पॉइंट में आधार नंबर एंटर करेंगे और 11 पॉइंट में आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, 12 पॉइंट में ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, 13 पॉइंट में आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर 14 पॉइंट आता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट से फॉर्म भर रहे तो आप इसमें नो करेंगे और फिर यहां पर आपको आपकी स्टेट पूछ जाएगी कि आप यूपी के अलावा कौन सी स्टेट से हैं एंड देन यहां पर जैसे कि अगर मैं यूपी के अलावा इस फॉर्म को भरता हूं तो उत्तरांचल में यहां पर सेलेक्ट करता हूं। अब आपको यहां पर 15 पॉइंट कैटेगरी में जनरल सेलेक्ट करना होगा, बट अगर आप यूपी से हैं तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको पूछेगी डू यू विश टू क्लेम रिजर्वेशन एंड और एज रिलैक्सेशन बेनिफिट अंडर SC/ST OBC WS, यानी कि क्या आप छूट चाहते जो कि SC/ST OBC WS को मिलती है, अगर हाँ तो आप यहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद में अब आपको यहां पर आपके निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। अब इसमें यहां पर 4 पोस्ट दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार। तो आपको यह बताना है कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपका इनमें से कौन से प्राधिकारी ने जारी किया है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, तो गाइज अपना निवास प्रमाण पत्र उठाइए और उसमें जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर आपको आपके प्राधिकारी का नाम दिया हुआ है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है वहां पर जिस भी अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसकी पोस्ट का नाम कौन सा है, तहसीलदार है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। अगर आपका ऐसा है कि इनमें से जो यहां पर पोस्ट मेंशन की गई है उनमें आपका जो सर्टिफिकेट है इनमें से कोई भी नाम वहां पर नहीं दिया है तो फिर आप तहसीलदार सेलेक्ट कर ले, अन्यथा आपको यहां पर जो भी आपके प्राधिकारी की पोस्ट का नाम है वही पोस्ट यहां पर सेलेक्ट करनी है। मैंने आपको बता दिया कि कहां पर वो मेंशन होगी। इसके बाद में आप यहां पर आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कब हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
इसके बाद में गाइज उसके ऊपर जो प्रमाण पत्र क्रम संख्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर 15 पॉइंट आती है कास्ट कैटेगरी की, तो अगर आपका जनरल के अलावा अन्य कोई कैटेगरी है तो आपके सामने यहाँ पर फिर से सेम तरह का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इनमें से कौन से प्राधिकारी ने जारी किया है। तो आपको सेम तरीके से मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको आपके सर्टिफिकेट को चेक करना है, जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर साइन होते हैं वहाँ पर कौन से प्राधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा है, तहसीलदार लिखा है या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आपको यहाँ पर वही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फिर आपको बताना कि कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी है कि सर मेरा सर्टिफिकेट इतना पुराना है, तो गाइज मैं आपको बता दूँ नॉर्मली आपका सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उससे पुराने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बेझिझक यहाँ पर जानकारी भर दीजिए। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि 10 से 11 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बन जाते हैं। अगर नहीं बन पाते हैं समय पर तो फिर आप आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट है उसी का इस्तेमाल करके फॉर्म भर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना है, एंड फिर आता है कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर। तो अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर है तो आप डाल दीजिए 15D में, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र भी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में किस महीने और किस साल के अंदर पास की है। एक कैंडिडेट का सवाल ये आया था कि सर मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर महीना मेंशन नहीं है, तो अगर आपको आपका महीना नहीं पता कि कौन से महीने के अंदर आपने पास की थी तो फिर आप एक एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित महीना यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये सिलेक्ट करना अनिवार्य है, इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको फॉर्म के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस में पास सेलेक्ट करना है, एंड देन जो आपका 10th का रोल नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर जो आपका प्रमाण पत्र नंबर है वो आप यहां पर डाल दीजिए। सेम वे में आप यहां पर 12वीं की इंफॉर्मेशन भरेंगे, पहले आपको आपका बोर्ड का नाम बताना है, फिर कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो यहां पर आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, पहले महीना और फिर आपका ईयर। फिर आपको यहां पर पास सेलेक्ट करना है, आपका 12वीं का रोल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है, एंड इसके बाद में सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर आपको यहां पर डाल देना है। अब और कुछ सवाल यहां पर आपसे पूछे हैं, जैसे कि क्या आपने DOEACCNIELIT से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यहां पर एक कैंडिडेट का सवाल यह भी आया था कि सर मेरे पास CCC है तो क्या मैं उसकी जानकारी भर सकता हूं। वैसे यहां पर CCC को मेंशन नहीं किया है तो आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वैसे भी ये जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहां पर आपसे पूछा है ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर है तो अच्छी बात है, यस करने पर फिर आपको बताना होगा कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, जैसे कि DOEACC या फिर NIELIT से। इसके बाद में क्या भी आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट भी आप यहां पर डाल देंगे। अगला सवाल आता है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर आपने किया है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आएगा आपके सामने एड्रेस, यहां पर सवाल आता है वही आपका एग्जाम सेंटर वाला। तो गाइज मैं आपको बता दूं आपको एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं दिया है, बट मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस होगा उसके नज़दीक ही आपको आपका सेंटर दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम सेंटर वो 5000+ रखे गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे, तो जो भी आपकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रहेगी प्रेजेंट एड्रेस की वही आपकी कंसिडर की जाएगी आपके मेन एग्जाम सेंटर के लिए। तो ऐसे में जो कैंडिडेट का सवाल था कि क्या प्रेजेंट एड्रेस से फ़र्क पड़ेगा एग्जाम सेंटर पर, तो जी हाँ उसी से फ़र्क पड़ेगा। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर ऐसे तो किसी को कहीं पर भी सेंटर मिल सकता है, बट ऐसा नहीं होने वाला है, आपको आपकी सिटी के अंदर ही सेंटर मिलेगा जो कि आपका एड्रेस ही तय करेगा। अगर आपका एड्रेस किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपकी पहली प्रेफरेंस रहेगी आपको एग्जाम सेंटर मिलने की। तो हाँ ये मैंने आपको यहाँ पर आंसर कर दिया कि एग्जाम सेंटर आपके एड्रेस से ही तय किए जाएंगे। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर 25.ABC के अंदर एडजस्ट कर दीजिए, चाहे कैसा भी कहीं पर कुछ भी लिखा है आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा का पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दें, और फिर उसके बाद में आपकी
स्टेट सेलेक्ट कर ले एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिर डाल देना है। इसके बाद में अगर आपका परमानेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पर भर दे और उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करे। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर ले एंड देन इन सभी के ऊपर इस तरह से टिक कर दे और फिर आपको ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है वो एंटर करना है एंड देन इसके बाद में आपको सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं आपका पंजीकरण नंबर आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेगा, ये नंबर आपको यहाँ से नोट कर लेना है एंड साथ ही साथ आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो राशन नंबर है वो सेंड किया जाएगा और उसमें आपको एक ओटीपी भी दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो वेबसाइट का सर्वर है वो डाउन हो गया है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि भारी संख्या में वेबसाइट के ऊपर कैंडिडेट ने विजिट किया है जो कि लाखों से प्लस हो सकते हैं, तो ऐसे में वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है जो कि कुछ टाइम तक ही रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर राशन नंबर तो मिल गया है बट आपको ओटीपी नहीं आया है तो इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि हाँ आप उससे दोबारा रिसेंड कर सकते हैं, इसको एक ही बार यहाँ पर आपको भेजा जाएगा। पर उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं और ओटीपी आपको नहीं आया है, आपने वेट भी कर लिया, अब आप क्या करें? तो एक काम करिए, राशन नंबर नोट कर लें, राशन नंबर नोट करने के बाद में होम के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद में ओटीपी एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में राशन नंबर यहाँ पर डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करें और जो आपको ओटीपी आएगा जो कि आपको तब जब भी आता है वो यहाँ पर डालें, कैप्चा कोड फिल करें और एक्टिवेट कर लें। बट गाइज अगर आपको फिर भी ओटीपी नहीं मिल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, आप बिल्कुल आया ही नहीं है, तो ऐसे में आपको अगर पता चले कि ओटीपी आने शुरू हो गए हैं तो फिर आपको एक बार फिर से राशन करना है क्योंकि अभी आपका राशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका डाटा रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेगा, तो आपको दोबारा से राशन करना है। थोड़ी देर वेट कर ले, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या एक घंटा, अगर नहीं आता है तो फिर आप दोबारा से राशन का प्रोसेस करें एंड जब आपको ओटीपी आ जाए तो वो ओटीपी आप यहां पर डालें, ये कैप्चा कोड फिल करें एंड देन एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके आपके जो राशन की जानकारी है उसको एक्टिवेट कर लें। फिर आपको यहां पर लॉगिन का पेज देखने को मिलेगा जहां पर आपको राशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर आपकी जो है फिल करनी है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी, ये कैप्चा कोड डालना है एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आएगा, आपको यहां पर जो भी आपके सामने अमाउंट है बेसिकली सभी को एप्लीकेशन फीस 400 रुपए ही पे करनी है, ये आपको यहां पर देखते हुए पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, UPI, तो आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो आप यहां पर सेलेक्ट करें। अगर UPI तो फिर आपको यहां पर जिस माध्यम से फीस को सेलेक्ट जमा करनी है वो आप यहां पर चूज करके फीस को जमा कर दीजिए। तो गाइस यहां पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आपके सामने यहां पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और इसके चक्कर में मैंने आपके लिए यहां पर 400 रुपए फीस का अमाउंट भी दिया है ताकि आप लोगों से कोई गलती न हो। तो इस चीज को कंसिडर करके अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने स्पेशल किया तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो अभी आप यहां पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे, फोटो का साइज 20 से 50 KB और इनमें से फॉर्मेट कोई भी चल जाएगा, तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहां पर इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगी, तो आप यहां पर आपका फोटो वेरीफाई कर सकते हैं एंड देन यहां पर गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर साइन है सेलेक्ट करें और यहां से ओपन करें और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दे। फिर आपको यहां पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फॉर्मेट इनमें से कोई भी चलेगा, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर आपकी फाइल है वो यहां से सेलेक्ट करें एंड यहां से ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप अपलोड कर दे। फिर आपको यहां पर 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें, अपलोड के ऊपर क्लिक करें एंड देन इसको भी अपलोड कर दे। फिर आपको यहां पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो जहां पर भी सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए एंड देन अगर आपने ओ लेवल जो सर्टिफिकेट होता है उसमें यस किया था तो फिर वो भी आपको यहां पर अपलोड करना होगा, आप यहां पर इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो मैंने इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा है और इसीलिए मैंने यहां पर सभी डेमो के लिए इमेज अपलोड किए हैं क्योंकि ये फॉर्म मैं रियल में नहीं भर रहा हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए भर रहा हूं और इसी चक्कर में मैंने आपके लिए 400 रुपए फीस भी दी है। तो अगर आप ये कहें कि आपने तो यहां पर सभी में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्यों करा है। अब आपको यहां पर बेसिकली फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है।
अभी आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।